ये पेड़ है दोस्तों, इसमें से कौन सा पेड़ का फल खाने से मुंह कलर हो जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट वेलकम दोस्तों, करके। दूल्हा फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और सुबह का अभी 8 बजने वाला है और हमारे तरफ अभी मौसम देखिए कि कैसा है, मतलब पूरा बादल छाया हुआ है, इधर देख सकते हैं। और अभी जा रहे हैं हम लोग लकड़ी लेने, तो चलिए दिखाते हैं। और यहाँ थोड़ा फट गया है पेड़ चढ़ते चढ़ते, कोई बात नहीं सील लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं। और ऐसा कौन सा फल है जो खाने से मुंह मतलब पूरा नीला हो जाता है? मेरा मुंह थोड़ा नीला नीला दिख रहा होगा, दांतों आया था। ऐसा कौन सा फल है जो खाने से मतलब ऐसा हो जाता है? तो वीडियो बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पेड़ है दोस्तों, इसमें से कौन सा पेड़ का फल खाने से मुंह कलर हो जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं हम लोग। और ये है वो पेड़, हम लोग का पेड़ है और ये हम लोग का खेत पार के नीचे। और ये वाला आम भी हम लोग का है, अभी तोड़ नहीं आएंगे। देखिए बहुत बड़ा बड़ा फल होता है, पेड़ छोटा है लेकिन फल बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला हम लोग का खेत है, देखिए अब तैयारी हो रहा है धान लगाने के लिए। चलिए अब चलते हैं इधर लकड़ी। चलिए नीचे चलते हैं। चलिए हम लोग पहुँच गए, हम लोग आम का पेड़ है, उसी को लेने आए। इधर देखिए है, इधर चू गई है, और यहाँ रखे हैं, और यहाँ है लकड़ी। तो चलिए अब चूर में चलते हैं। और अभी देखिए धूप कर रहा है, अब मौसम बदल जाता है पता नहीं चलता है। तो चलिए अब काटने चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अभी लकड़ी लेके आ गए हैं घर। और अभी हम लोग का मंझन वाला की तैयारी चल रहा है। और मैं उधर बासी तो खा लिया हूँ, आते ही भूख लग रहा था। तो इधर देखिए, इधर चाह रहे हैं लोग का भाजी, गुलार भाजी। ये देखिए स्टोरी है, तीन बांटा पार्सल कर दिए दूसरे जगह, तीन बांटा। तो देखिए गांव में कुछ कुछ भाजी वाजी मिल जाता है पेड़ पौधा से, उसी का सब्जी बना के खाते हैं हम लोग। और जो आप लोग देखे हैं वो वाला फल को आप लोगों को दिखाएंगे किस चीज़ से, किस चीज़ का फल खाने से
मतलब मुंह का कलर चेंज हो जाता है। तो अब वीडियो में नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए अभी कटाई चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलिए आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।